नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज में अपराधियों ने ईंट से कूच कर की युवक की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क किया जाम, मुआवजा और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। भव्य रंग जुलूस के साथ 3 दिवसीय रंग महोत्सव का हुआ समापन, कलाकारों की प्रस्तुति ने मोहा दर्शकों का मन। नवगछिया पुलिस ने हथियार के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी। और मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कई वार्डों में चलाया जनसंपर्क अभियान, बदलाव के लिए मांगा वोट। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन दक्षिणी छोर आदर्श नगर मोहल्ले में अपराधियों ने ईंट से कुचलकर एक 25 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर युवक के शव को आग के हवाले कर दिया। मृतक की पहचान सुल्तानगंज के जीच पोखर शीतलास्थान निवासी दिनेश शाह के 25 वर्षीय पुत्र गोपाल कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि रविवार की दोपहर गोपाल मजदूरी कर घर लौटा, लेकिन इसके बाद से वह अचानक लापता हो गया था। जबकि काफ़ी खोजबीन करने के बाद घर वालों को उसकी मौत हो जाने की जानकारी मिली। वहीं मृतक गोपाल की मां का कहना है कि मोबाइल को लेकर उसके बेटे की पड़ोसियों ने मिलकर हत्या कर दी है, जबकि घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। इधर इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सुल्तानगंज थाना की पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। कहाँ घर है? क्या नाम है उसका जो बेटा का हुआ है? कैसे क्या हुआ है? हमारा कोई मालूम फेरिस आया था तो उसको खाया, एगो भतीजा कसीर दिया आके सब 4 बजे के बाद एक माई बोला कि गोपाल माई दे खतवा साथ में और बाद वो घूरा हम घूरे 2 घंटा तक 10 बजे फेरिस आया था सर गोपाल कुमार, वही खजा कुमार चल गया, उसके बाद कोई पता नहीं चला। खजा कुमार कौन है? खजा कुमार वही हमारे पोखर के पट्टी उसका घर है। इसका दोस्त था क्या? दोस्त थे सब, सबके साथ ही संगत था, कौन पता क्या कर देगा नहीं कर देगा। हमको तो सर पता था तो उसको बुलाता तो नहीं नुक जाता कि हमारे साथ ऐसा कर देगा। उसी के साथ गया था जी। कहाँ गया था उसका? इसका खजा कुमार, खजा उसी के साथ गया था। तो उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद हम लोग फिर ढूंढने लगे तो फिर मिला नहीं है। कैसे पता चला क्या हुआ? कैसे तो हम उधर से पूरा खोज के आए सर, नहीं पता चला तो कोई आदमी बोला कि जो रात में यहाँ आया था, तो उसके बाद इधर से हम लोग रिटर्निंग आने लगे, यहाँ देखा आग लगा हुआ था तो देखे तो क्या आग लगा हुआ था। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णगढ़ मोड़ के समीप एक मजदूर को जिंदा जलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें हत्यारे की गिरफ्तारी कर सजा दिलाने और मुआवजा की मांग को लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर आगजनी की। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर दलबल के साथ पहुंचे सुल्तानगंज थानाध्यक्ष प्रियरंजन ग्रामीणों एवं परिजनों को समझा बुझा कर हंगामे को शांत कराया, जिसके बाद सड़क जाम हटवाया गया, जिसको लेकर थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि इस घटना की सूचना सीओ को दे दी गई है, जबकि विभाग और सरकार के स्तर से मुआवजा राशि का निर्णय लिया जाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना का अनुसंधान शुरू कर दिया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। मौके पर मृतक के परिजन एवं दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। 14-15 बरस लड़का को मोबाइल छीन लिया, उसके बाद जो है मार करके उसको जिंदा जला दिया। जी जी। वो आदमी को जो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और गरीब आदमी है मुआवजा भी मिल जाए। सीओ साहब मुआवजा के संबंध में देखेंगे, वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं, वो आपको विस्तृत बताएंगे। अब मुआवजा के लिए सीओ साहब को सूचित किया गया है, वो अपना कानूनी जो प्रक्रिया है उस तरह से वो कार्रवाई करेंगे। इंजीनियर सुजीत साहब हैं, वो सीओ साहब से भी बात कर रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, वो प्रक्रिया जो सीओ साहब को करना है। रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रंग महोत्सव का समापन सोमवार को रंग जुलूस एवं पारितोषिक वितरण के साथ हो गया, जिसमें कलाकारों को विशेष पुरस्कार के रूप में अंगद जनपदीय धरोहर मंजूसा पेंटिंग और मोमेंटो भेंट किया गया। बता दें कि 9वां अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस महोत्सव में देश के 14 राज्यों से पहुंचे कलाकारों ने भाग लेकर अपनी कला और नाटक का मंचन किया।
गया। कला केंद्र में आयोजित रंग महोत्सव के दौरान शामिल हुए कई राज्यों से कलाकारों ने जहां अपनी मनमोहक प्रस्तुति से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया, वहीं इस आयोजन के साथ कलाकारों की सुविधा के लिए संस्था की ओर से पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। वहीं रंग महोत्सव में मणिपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और बिहार, झारखंड के अलावे कई राज्य के कलाकार और नाट्य टीम ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के अंतिम दिन पूरे शहर में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने रंग यात्रा के जुलूस में शामिल होकर अपनी कला की प्रस्तुति दी। इधर महोत्सव के अंत में राष्ट्रीय सम्मान समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम कर सभी कलाकारों और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। भागलपुर वासी के लिए ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो कि रंग महोत्सव के माध्यम से जो है 3 दिन का कार्यक्रम भागलपुर में रखा जाता है। ये पूरे भारतवर्ष का लगभग 14 स्टेट का कलाकार आपके बीच है, एक ही प्लेटफॉर्म पे, भागलपुर के प्लेटफॉर्म पे रंग महोत्सव के माध्यम से ये 14 स्टेट का कलाकार एक जगह अपना कलाकारी दिखाते हैं, अपनी भाषा, अपना जो है लोक संस्कृति, अपना जो भारतवर्ष की संस्कृति है, हम लोग फुहड़पन के अलग हट करके हम लोग जो है इससे अलग हट करके कार्यक्रम को रखते हैं। भारतवर्ष का संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को जिंदा रखना है। ये कलाकार देखिए आपके बीच उपस्थित है। भागलपुर के नवगच्छा में रविवार को हुए नगर परिषद चुनाव के दौरान मतदाताओं, जनप्रतिनिधियों एवं पुलिस प्रशासन की सक्रियता को लेकर SP शांत कुमार सरोज ने नवगच्छा पुलिस जिला के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को पुरस्कृत किया है। इसको लेकर नवगच्छा SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मामलों का खुलासा कर कई अहम जानकारी भी दी। इस दौरान SP शांत कुमार सरोज ने फरीदपुर वहियार की घटना को लेकर कहा कि 2 व्यक्ति हथियार लेकर गंगाधार नाव पार कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक सरोज कुमार राजवंशी और हरित थाना सशस्त्र बल के साथ लोदीपुर घाट पहुंची। वहीं पुलिस को आता देख दोनों युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस की सक्रियता से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान लोदीपुर निवासी स्वर्गीय सत्यनारायण मंडल के पुत्र विनोद मंडल के रूप में हुई है, जिनके पास से पुलिस ने एक लोडेड देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं दूसरी घटना ध्रुवगंज हरित थाना क्षेत्र की है, जहां भागलपुर के राजकुमार महतो के बासा कटने में गौ कहीं डब्लू कुमार उर्फ विभाष कुमार विदेशी शराब रखकर चोरी छिपे बेचने का कारोबार करता है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस राजकुमार महतो के बासा पर पहुंची तो पुलिस को देखते ही वहां से तस्कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस को मौके से कई विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई है। SP ने बताया कि मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के तहत हरी बाजार मोदी टोला निवासी अभियुक्त शिवनंदन कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही नवगच्छा राजेंद्र कॉलोनी निवासी अभियुक्त जुगनू कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 18 तारीख को मेरा 2 उपलब्धि है, दोनों खड़ी थाना से जुड़ा हुआ है। एक जानकारी मिली थी कि एक फरीदपुर बहियार है जो गियरा इलाका है, वहाँ पर 2 व्यक्ति हैं जो हथियार लेकर के नाव से वो पार कर रहे हैं। थाना प्रभारी को जानकारी दी गई, टीम बनाया गया। वहाँ एक सब इंस्पेक्टर है सरोज कुमार राजवंशी और एक सब इंस्पेक्टर है सुरेश पंडित, दोनों मिल करके उस व्यक्ति को पकड़ा। एक भागने में सफल रहा, जिसका जो गिरफ्तारी हुई उसका नाम विनोद मंडल, पेशर स्वर्गीय सत्यनारायण मंडल। अब डिटेल अपन दे दिया जाएगा। जब तलाशी ली गई तो उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा मिला और 3 जिंदा गोली मिला। इस संबंध में खड़ी थाना कांड संख्या 310/22 दर्ज किया गया है और जो भागा गया है उसे बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे उसका नाम से। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 28 दिसंबर को होने वाले भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर महापौर प्रत्याशी वसुंधरा लाल ने सोमवार को शहर के अलग अलग वार्ड और गली मोहल्ले में जाकर लोगों से घर घर जनसंपर्क किया। इस दौरान नाथनगर के वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 5 के पूरे इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन देने की अपील की गई, जबकि प्रत्याशी के हैंड बिल और बैनर के माध्यम से चुनाव चिन्ह और वोटिंग के लिए EVM पर महापौर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल बटन नंबर की जानकारी दी गई। एक और जहां लोगों ने महापौर प्रत्याशी को अपना समर्थन देने के साथ बदलाव की बात कही, वहीं क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्याशी और उनके समर्थकों से विकास कार्य का वादा भी लिया। सोमवार को डॉक्टर वसुंधरा लाल और उनके समर्थकों ने शहर के सच्चिदानंद नगर, गोलाघाट, कीला घाट, विवेकानंद कॉलोनी, गड़ैया, BN कॉलेज और सराय समेत कई मोहल्ले का भ्रमण किया और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। बता दें कि जैसे जैसे मतदान की तिथि समीप आ रही है,
वैसे वैसे जनसंपर्क और अलग अलग माध्यमों से प्रचार प्रसार का अभियान तेज होता जा रहा है। इधर लोगों से मिल रहे भरोसे से प्रत्याशी के साथ उनके कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। मैं शहर को जो मेरा स्मार्ट सिटी है और जो ये सिल्क सिटी है तो इसको मैं पूरी तरह से स्मार्ट बनाने की कोशिश करूंगी। जो यहाँ के जनता के मन में है कि ये स्मार्ट सिटी तो है पर दिखता नहीं है कहीं से स्मार्ट, तो मैं उसके लिए भरपूर कोशिश करूंगी कि मेरा सिटी स्मार्ट दिखे। मैं जनता के बीच हूँ, जनता मुझे चाहेगी तो मैं जनता के बीच फिर आऊँगी मेयर बन के। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं सुबोध कुमार नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं 2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैं उनसे इलाज कराया तो मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है, मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी दवा नहीं खाता हूँ डायबिटीज़ का, नॉर्मल है मेरा डायबिटीज, अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है, मतलब एक अनोखा इलाज है। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है और बहुत अच्छा है। हेलो, पहले तो सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद अब डॉक्टर साहब देता हूँ कि जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और जो है मैं स्टेट बैंक में जॉब करता हूँ। मैं 2 साल से अंग्रेजी दवाएँ कर रहा था जिससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था और खाने पीने में मुझे बहुत रोक टोक होती थी। आलू नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ये टैबलेट खाना वो बंद करना। मैं दवाइयाँ इतनी मेरे घर पे थी कि मैं बहुत परेशान हो गया था दवाइयों खाते। अब मैं ये सोचता कि क्या मैं पूरी जीवन भर दवाइयाँ खाऊँगा, इतनी इतनी दवाइयाँ। इसकी वजह से जीवन जीने की जो आशा होती है वो एकदम ख़त्म हो गई थी मेरी। मुझे लगता था कि कब मैं मर जाऊँगा मुझे पता नहीं, और जो है कि मैं अपने ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गया था। मैं ताकि कि अब फेक वीडियो हो, कोई कमाने खाने के लिए ये सब कर रहा, तो मुझे कुछ ये लगा कि यार चलो यार पैसा तो मैं बर्बाद कर ही रहा हूँ अंग्रेज़ी दवाओं में, थोड़ा एक बार इनका भी ट्राई मार लेता हूँ। कुछ दिन तो मैंने दवा किया, धीरे धीरे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा तो फिर मैंने इनकी नियमित दवा जो है मंगानी शुरू कर। तो मेरा 2-3 महीने इलाज होने के बाद आज की डेट में मेरा कोई शुगर नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि फेक वीडियो, उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी सिर्फ एक बार डॉक्टर साहब की दवा कर लें, क्योंकि मैं जानता हूं कि डॉक्टर साहब की दवा जो है वाकई में बहुत अच्छी है। आप जो है नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं और कोई जो है अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं कराते हैं, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और आपको नेचुरल चीज़ें ही बताएँगे, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका मतलब जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई शुगर से पीड़ित है, कोई माताएं, कोई बहनें, एक बार ज़रूर मिलें, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन इंसान है। आपको जीवन एक नई ज़िंदगी ये देंगे, ये ऐसे डॉक्टर हैं, एक बार ज़रूर मिलें। मैं बनावटी बातें नहीं करता, मैं एक सर्विस मैन हूँ और मैं जो है छुट्टी लेके बस ये आखिरी बार डॉक्टर साहब से मिलने आया था। बस यही मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं एक बार डॉक्टर साहब की दवा ज़रूर करके देखें, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी दवाएं करके यहां से वहां तक बहुत थक गया था, अपने जीवन से एकदम निराश हो गया था। आज की डेट में मेरा शुगर जो है खाने के बाद बहुत नॉर्मल रहता है और मैं मीठा उठा सब खाता हूँ। अब बहुत ज़िंदगी मेरी खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है और शुगर तो मेरे दिमाग से निकल ही गया है और मैं जैसे पहले था वैसे मैं अब जो है महसूस कर रहा हूँ।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपने कार्यालय वेशम में सोमवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बैठक की, जिसमें स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में होने वाले कार्यों और शहर में लगे ट्रैफिक सिग्नल को चालू करने को लेकर डीएम द्वारा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के डॉक्टरों पर एक बच्चे की मौत के बाद लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज निवासी 12 वर्षीय सुमित लोदीपुर में सोमवार की सुबह एक ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गया था, जिसे बाद में परिजनों की मदद से इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं बच्चे की गंभीर हालत के कारण उसे डॉक्टरों ने ब्लड चढ़ाने की बात कही, जिस पर परिजनों ने बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव बताया, लेकिन इसके बाद बच्चे को डॉक्टरों द्वारा बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, जिससे खून चढ़ने के क्रम में ही बच्चे की मौत हो गई। वहीं इसके बाद से मृतक बच्चे के परिजन काफी आक्रोशित हो गए और डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही से मासूम बच्चे की मौत होने का आरोप लगाया। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था तो यहाँ आए डॉक्टर के पास, ने हड्डी टूटाने और सब कुछ, खाली डॉक्टर के लापरवाही से हुआ ये। क्या कारण है? कारण ब्लड का कारण है। क्या? हम लोग का ओ पॉजिटिव, जब हम लोग मेरा भाई देने के लिए तैयार हो गया था तो वो बोला कि नहीं रहने दो, तो बी पॉजिटिव चढ़ा दिया था, समझे? तो वही वजह से खत्म हो गया है। बेटा का क्या पॉजिटिव है? ओ पॉजिटिव है। अब चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं और हमको भी टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड क्या चढ़ा दिया? ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव चढ़ा दिया जी। कौन चढ़ा है? डॉक्टर? डॉक्टर साहब। डॉक्टर लापरवाही से मौत? लापरवाही से। और पहले तो सुनता ही नहीं जरा सा भी बात। 10 बार 4 बार दौड़ा, पहले 4 बार 5 बार ये कागज लाओ, फलना लाओ, चिलना लाओ, जो आदमी नहीं जानकारी है तो क्या करेगा वो। भागलपुर शहर के लोगों और बच्चों के मनोरंजन और मौज मस्ती के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल शहर में डिज्नीलैंड मेले का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन इस वर्ष यह मेला लाजपत पार्क मैदान के बदले इशाकचक थाना के समीप स्थित रेलवे की 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन को संविदा पर लेकर लगाया जा रहा है, जहाँ अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें कि रेलवे की उस जमीन पर पिछले 30 वर्षों से स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, लेकिन अब जिला प्रशासन की मदद से रेलवे प्रशासन ने जमीन को मुक्त करा लिया है। इसको लेकर मेला प्रबंधक राजेश कुमार झा ने बताया कि 25 दिसंबर के बाद से यहां पर मेले का आयोजन किया जाएगा, जो 2 महीने तक चलता रहेगा। चाह रहे हैं यहां के लोगों को भागलपुर में एक अच्छा अवसर, बच्चे बूढ़ो सभी जो है आनंद लें डिज्नीलैंड मेला का, जिसमें कि हर तरह का झूलों एवं अच्छी अच्छी चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, लकड़ी की दुकानें, फर्नीचर की सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आ रहे हैं और चाहते हैं कि भागलपुर वासी इसका आनंद लें। कितना लैंड एक्वायर किया रेलवे से? हम लोग 20,000 स्क्वायर फीट संविदा पर लिया है 2 महीने के लिए। पहले यह सैंडिस कंपाउंड या लाजपत पार्क में लगाया जाता था, लेकिन अब तत्काल प्रभाव से डीएम साहब के आदेश से वो पार्क और कंपाउंड नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग रेलवे से प्रयास करके मालदा डिवीजन के थ्रू यह रेलवे का जमीन आवंटित किया है संविदा पर, जो 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोगों को दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से सोनपुर मेले में एलपीजी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गैस के सुरक्षित उपयोग से संबंधित जानकारी के अलावा प्री डिलीवरी चेक के महत्व के बारे में भी बताया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बिना किसी आईडी के मिलने वाले 5 kg के छोटे सिलेंडर को लोगों ने खूब पसंद किया। मौके पर पटना एरिया ऑफिस के इंडियन ऑयल के पदाधिकारी और सारण के वितरक मौजूद थे। लायंस क्लब ऑफ नवगछिया टाउन की ओर से गौशाला रोड बाल भारती विद्यालय में छात्र प्रेरणा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 8वीं क्लास के करीब 100 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और विश्व शांति की प्रार्थना के साथ दिवंगत शहीदों के सम्मान में मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शिविर को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें नदी की बहती हुई धार से सीख लेने की जरूरत है, जो निरंतर आगे बढ़ते हुए अपना रास्ता और मंजिल खुद बनाती है। इस दौरान कई बुद्धिजीवियों और शिक्षकों ने कार्यक्रम में अपनी बात रखी। मौके पर जीवी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर इजराफील, प्रोफेसर विजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन पवन शर्राफ, बाल भारती विद्यालय के प्रिंसिपल नवीन सिंह समेत लायंस क्लब के सदस्य और विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका एवं बच्चे मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज में अपराधियों ने ईंट से कूच कर की युवक की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क किया जाम, मुआवजा और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग।
भव्य रंग जुलूस के साथ 3 दिवसीय रंग महोत्सव का हुआ समापन। कलाकारों की प्रस्तुति ने मोहा दर्शकों का मन। नवगछिया पुलिस ने हथियार के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। एसपी ने दी जानकारी। और मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कई वार्डों में चलाया जनसंपर्क अभियान। बदलाव के लिए मांगा वोट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।